यस, अब अपने एक और स्टूडेंट से मिलवाता हूँ, सूरज कुमार से, जो कि बिहार के कटिहार भागलपुर जिले के पास की एक जगह से हैं, छोटे से गांव से हैं, और सूरज का ऑल इंडिया 78 रैंक है। तो सबसे पहले सूरज, आपको इस रैंक पर बहुत सारी बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन, और ये बहुत अच्छी रैंक है और एक बहुत छोटी सी जगह से आप निकल के आए, तो इस रैंक के लिए एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी बच्चों को मैं एक बात बताना चाहूंगा जो इम्पीटस के लिसनर हैं, कि सूरज का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा, फिर सूरज अपनी खुद की सक्सेस जर्नी बताएगा। सूरज एक बहुत छोटी सी जगह से है, फाइनेंशियली काफी वीक फैमिली से स्टूडेंट बिलोंग करता है। जब इसने मुझसे बात की, मैंने कहा देखो रास्ते अगर आपको आगे बढ़ने के हैं तो कोई नहीं रोक सकता। सूरज ने भोपाल आके क्लास ज्वाइन की, साथ में ट्यूशंस पढ़ाई, खुद का खर्चा भी निकाला, फी भी दी और साथ में अपनी पढ़ाई की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सूरज, ये एक आपका बहुत अच्छा अचीवमेंट है, और कई बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अपने आप को रोक लेते हैं या आगे नहीं बढ़ते। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि देखिए हर बच्चे की लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है, आपकी लाइफ की बड़ी अलग प्रॉब्लम थी। जैसे मैं बताऊं, सूरज ने जहां रूम लिया था, दूर लिया था क्योंकि वो रूम थोड़ा सस्ता था, तो वहां से यहां तक आने के लिए उसने साइकिल ले ली। मतलब उसने परिस्थितियों को कैसे फेस किया, ये आप सूरज से अच्छा किसी को नहीं समझ सकते। तो सूरज, मैं चाहूंगा कि आप भागलपुर से जब निकले कटिहार से, वहां से लेके भोपाल आने और भोपाल की जर्नी और कैसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, पर फिर भी पढ़ाई को नहीं रोका, ये एक आपका मैसेज उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपने आप को कई बार रोक लेते हैं। जी सर, सर मैं यही बताना चाहूंगा कि जब मैं कटिहार से भोपाल आया तो वहां पर मुझे सर बहुत प्रॉब्लम हुआ था सर फाइनेंशियली। तो आपने सर, जैसे ही आपने मुझे ट्यूशन लगवा दिया था, तो मैं फिर ट्यूशन धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और अपना मतलब पढ़ाई मैनेज करने लग गया। शुरू में तो मैं कुछ कोई टॉपिक्स घर से ही कर आया था, बेसिक्स तो मैं घर से बना के आया था, तो सर मैं उतने कम समय में मतलब मैनेज कर लेता था। मतलब सब पढ़ते थे 9 बजे तक, मैं पढ़ता था 6 बजे तक, और सर मैं अपने जब भी मैं पढ़ता था, मैं एक शेड्यूल वे में पढ़ता था कि मुझे इतना टारगेट, इतना क्वेश्चन करना है और इतने क्वेश्चन इतने टाइम में करना है। मैं एक सर डायरी बनाता हूँ, इस तरह का डायरी जो मैंने ये सर 40 दिन में इसी डायरी में किया है, जो किया है सर। ओके। और सर डायरी बना के सर मैंने पढ़ा है पूरे पूरे साल, जो जो क्योंकि मुझे मुझे पता था कि मुझे और सबसे कम टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, तो सर मैंने शेड्यूल बना लिया था, इतना क्लास है, इतना टाइम है, इस टाइम में मुझे कितना अचीव करना है। तो मैं डेली का टारगेट बनाऊ, डेली का कितना अचीव किया, और जो डाउट है मैं अगले दिन उसको क्लियर करता था। ठीक है। और सर मैंने ये मैं कन्फेस करता हूँ सर कि मैंने 100% फॉलो नहीं कर पाया आपके बात को। शुरू शुरू में मैंने 80% फॉलो किया था, क्योंकि आपने कहा था कि ज्यादा बुक के पीछे नहीं जाओ, तो सर मैं शुरू शुरू में बुक के पीछे चला गया था, थोड़ा एक्स्ट्रा बुक बनाने लग गया था। लेकिन मुझे लगा कि फिर निमसेट में उतना मतलब जितना ज्यादा लेवल की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा लेवल का मैंने पढ़ लिया था सर, जेई एडवांस के भी क्वेश्चन बहुत हद तक बना लिया था, जरूरत ज्यादा भटक गया था। ये होता है सूरज, कई बार जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर कह रहा आपने 80% माना और फिर बाद में आप पूरे 100% मानने लगे, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। कई बार स्टूडेंट इस बात को समझ नहीं पाते कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, पर हर एग्जाम का अलग अलग पैटर्न और अलग अलग लेवल होता है। तो कई बार क्या होता है, हम ज्यादा बुक्स या ज्यादा क्वेश्चन करते हैं तो हमारा टॉपिक खत्म नहीं होता, प्रॉब्लम बनी रहती है, तो हमारे अंदर कहीं टेंशन होती है। इसलिए मेरा मानना यह कि जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम से हमें 10 से 20% ऊपर रखना चाहिए। पर यह अच्छी बात है कि आपने उस बात को समय रहते हुए सुधार के अपने आप को एक ट्रैक पे ले आए, और देखो आज उसका एक रिजल्ट भी आपके पास कि आपके ऑल इंडिया 78 रैंक है। सूरज, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि भोपाल आने के बाद आपने जो एक संघर्ष तो किया भोपाल में, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है और वो उसका आज रिजल्ट भी आपके सामने है, पर फिर उसके बाद बीच में लॉकडाउन भी हुआ, कंडीशन काफी टफ रही, तो इन सब सिचुएशन में आपने अपने माइंड को कैसे सेट रखा? क्योंकि सबसे ज्यादा किसी भी बच्चे को यही एक कंफ्यूजन रहता है कि मैं स्टार्ट तो कर दूंगा, चलो सर ने बोल दिया सब कुछ, पर मैं एंड तक कैसे जाऊंगा? आपके साथ बीच में कई बार प्रॉब्लम हुई, मुझसे बात की, मैंने उसके सॉल्यूशन भी बताए, तो मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को ये मैसेज दें कि अगर वो स्टार्ट करें तो अंत तक कैसे जाना है, वो आपका क्या उस पर अपना ओपिनियन है? सर मैंने जो किया सर वो मैं बताता हूँ सर, क्योंकि मेरे घर में सर थोड़ा सा रूम का दिक्कत है, और सर मैं जब वापस आया था लॉकडाउन के कारण, तो सर यहाँ पढ़ने का व्यवस्था नहीं मिला, तो सर मैं लगभग मेरे दो तीन महीने ऐसे खराब हो गए। तो मैंने उस टाइम में थोड़ा सा अपना बीसीए का, क्योंकि मैं अपीयरिंग हूँ, तो मैंने बीसीए का
बेस तैयार किया था उस समय में, जो मेरा फाइनल फाइनल सेमेस्टर का था, तो सर मैंने उस समय उस पर ध्यान दिया और इसमें थोड़ा कम ध्यान हो गया क्योंकि मुझे मतलब उतना ध्यान से पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन जब सर बार बार रिजल्ट बार बार एग्जामिनेशन डेट डिले होने लग गया तो सर आस हटने लगी कि अब हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एग्जामिनेशन का डेट अगर सर आता है तो उसमें हम लोग ज्यादा फोकस होकर पढ़ पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तब मैंने सर, यस सर, जब आपने अनाउंस किया था सेकंड टाइम कि जब मतलब फिर से डेट निकला था, शायद सितंबर में एग्जाम होना था, सितंबर की अगस्त में एग्जाम होना था, तो सर मैंने स्टार्ट किया था पढ़ने के लिए, तो उसमें फिर डेट कैंसिल हो गया। फिर मैं सर छोड़ दिया मैंने। फिर दोबारा जब आपने बीएचयू के एग्जाम के बाद शायद बनाया था एक वीडियो जिसमें निमसेट का डेट आया था, सर उस दिन से मैंने स्टार्ट किया और एक एक दिन एक एक टेस्ट किया और ज्यादा टेस्ट, आपके टेस्ट से भी ज्यादा टेस्ट दिया मैंने। और मैंने जेई मेंस का जो 25 क्वेश्चन आता है वो मैं पर डे देता था। वो सर आपने कहा था कि थोड़ा जेई मेंस का भी देख लेना पिछले साल के हिसाब से, तो सर जेई मेंस का भी मैंने दिया। और आपका जी सर टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है और तुमने टेस्ट काफी अच्छे से दिए और उनके प्रॉपर एनालिसिस किया। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूंगा सूरज के बारे में कि सूरज का घर की स्थिति भी देखिए, जिस कमरे में बैठा यही एक कमरा है सूरज के पास, पर सूरज आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। कई बार हम इन्हीं परिस्थितियों से कुछ जीवन में सीखते हैं, तो मुझे पता है कि आपका आने वाला समय आपका और आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा। अब ये स्टार्ट जो आपने किया इसको रोकना नहीं है, अब अपना एनआईटी में जाके परफॉर्म करना है, प्लेसमेंट में करना है, कंपनी में करना है, जिससे जो आज आपके साथ प्रॉब्लम हुई है वो नेक्स्ट जनरेशन को ना हो या कहीं ना कहीं हम सोसाइटी को कुछ सही मैसेज देके जाएं, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यस सर, बिल्कुल सर, यहां से तो जर्नी स्टार्ट हुआ है। हाँ, अब आप अपने जूनियर्स को या इम्पीटस गुरुकुल के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हर बच्चा इम्पीटस गुरुकुल से जुड़ा है, जो एमसीए की तैयारी करता है वो इम्पीटस गुरुकुल से जुड़ ही जाता है, तो आपका क्या मैसेज होगा? सर मेरा मैसेज यही है कि जो सर मैंने अपने गलतियों से सीखा है वही नहीं करना। बस जूनियर को ये मैं कहना चाहूंगा कि फुल 100% होल हार्टेडली सर को फॉलो करना है, क्योंकि सर को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। फिर मैं भी समझता था कि मतलब मैं मिक्स करूंगा, सर का भी फॉलो करूंगा, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, तो उसमें मुझे थोड़ा पीछे हो गया। और एक चीज और, टेस्ट को 100% सीरियसली लेना है सर। बिल्कुल सही बात। टेस्ट अगर सीरियसली नहीं लेता ना मैं 40 दिन में सर, तो मेरा भी नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने एक एक टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस किया, 3 महीना छूट गया था मेरा पढ़ाई से, बहुत सारा क्वेश्चन मैं भूल गया था, टेस्ट के बदौलत ही मैं सर बहुत कुछ सीख पाया। टेस्ट को 100% शेयर दूंगा सर। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पढ़ाई अपनी जगह एक मायने रखती है, पर पढ़ाई के साथ टेस्ट पेपर और उसका एनालिसिस ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर होता है सक्सेस में। और जब हम इन सबको सही तरीके से फॉलो करते हैं और फोकस होकर पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट, एंड रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलता है। और आपका भी एंड रिजल्ट अपने आप में ये प्रूव कर दिया कि सब कुछ कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। यस सर। सर और सर मैं इसका पूरा श्रेय आप ही को देना चाहूंगा सर, आपको, अपने घर वालों को, मम्मी को, मेरा छोटा भाई को। मेरा छोटा भाई ने मतलब सर अपना पढ़ाई छोड़ दिया मुझे पढ़ाने के लिए। देखो, इसे कहते हैं, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि घर में बड़े ब्रदर या बड़ी सिस्टर हम त्याग करते हैं, पर आपकी जर्नी में कहीं ना कहीं उल्टा हुआ है कि आपके छोटे ब्रदर ने आपको पढ़ाने के लिए नौकरी की है। खैर, अब आपको स्टार्ट मिल गया है तो अभी आपके पास अब मौका है कि आप उसको भी पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से मतलब हम अगर पढ़ लेते हैं तो एक बार श्योरिटी होती है कि हम कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अच्छा कर लेते हैं। नॉलेज हमेशा हमें कुछ ना कुछ देके जाती है और नॉलेज जिसके पास है वो कभी भूखा नहीं मरता, यह आपने खुद भी अनुभव कर लिया। क्योंकि देखो, नॉलेज थी, पढ़ा सकते थे, भोपाल में आके बच्चों को पढ़ाया, अर्निंग की। अगर मान लो नॉलेज ही नहीं होती तो ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते थे, तो नॉलेज का हमेशा फायदा होता है। और मैं आपके छोटे भाई को भी एक बार थैंक यू अपनी तरफ से शुभकामना देना चाहूंगा, जिसने कि आपके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और आपको आगे बढ़ने दिया। तो ये भी काफी अच्छी बात है जो आपने बच्चों को बताई। तो चलिए सूरज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं वो भी जब ये वीडियो या मैसेज सुनेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आप सभी बच्चों को एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि कोई भी इंसान जीवन में, मेरा अब तक का अनुभव है, मैंने हजारों बच्चों को देखा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए, कि कोई भी बच्चा आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला जो फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से पीछे होता है। वो अपनी सोच के वजह से पीछे होता है, फाइनेंशियल कंडीशन कभी मैटर नहीं होती। और वो अपने आप को एक्सक्यूज देके समझा लेता है, जैसे अगर सूरज ने भी अपने आप को समझा लिया होता कि मेरी घर की कंडीशन ऐसी नहीं है, मैं क्या करूंगा, और निकलता ही नहीं घर से,
अब सोचिए कि क्योंकि क्या होता है, किसी और सिटी में आके पढ़ना में केवल ट्यूशन फी नहीं होती, हमारे रहने का एक्सपेंसेस होता है, अदर एक्सपेंसेस चालू हो जाते हैं। फिर भी इसने उन परिस्थितियों के बाद निकला और पढ़ाई की, आज उसका रिजल्ट सामने। तो हम अपने आप को कभी इस तरह की गलत मैसेज से ना समझाए, मैं आप सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा। सूरज वंस अगेंस्ट आपको एक बार फिर से बधाई दूंगा, और स्पेशली आपके छोटे ब्रदर को जिसने आपके लिए ये सब किया, और मैं चाहूंगा कि अब आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना। जी सर, और सर फाइनली सर मैं कहूंगा कि सर आपने तो पहला स्टेप लिया था, क्योंकि सर आप ही अगर मुझे आने का मौका नहीं देते सर वहां पर, तो फिर मैं यहाँ पर नहीं होता। बिल्कुल सही बेटा, मेरा तो अपना हाँ, नहीं बोलो आप बोलो। ये सर मैं ये कहना चाहूंगा, अपना ये अपना सक्सेस का ये श्रेय सर 100% आपको और प्रतीक सर को है। प्रतीक सर और आपका मैंने 100% बात माना, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, लेकिन फिर पूरा 100% मानने लग गया सर मैं। बिल्कुल सही बात है, देखो मैं यही चाहूंगा, मेरा मेरे से जब कोई बच्चा बात करता है तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई बच्चे ने बात की और मैंने उसको सॉल्यूशन नहीं दिया। सॉल्यूशन हर जगह है, बस रास्ते बढ़ाने चाहिए। कई लोग स्टार्ट ही नहीं करते या इनिशिएटिव नहीं लेते, इसलिए कई बार पीछे हो जाते हैं। तुमने मुझसे बात की, मुझे याद है आज भी जब मैंने कहा था स्टार्ट करो फिर देखेंगे जो होगा, और देखो आज आपने वो स्टार्ट कर लिया, हिम्मत करके निकले और वो हिम्मत आज आपका रंग लाई। तो मैं आप सभी बच्चों को बेटा यही मैसेज देना चाहूंगा कि जीवन में अगर आपने कुछ प्लान किया है तो उसको एक्शन लो और उसके अंत तक जाओ। जो भी आप लाइफ में वो करना चाहते हो उसके स्टार्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके एंड तक जाना, और ये सूरज उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। सूरज ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से मेहनत करिए, आप NIT में भी जाके ऐसे ही परफॉर्म करिए और खुश रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।